हेलो फ्रेंड्स, हम आकाश पांडे। स्केचअप की सारी वीडियोस को देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो लोगों को भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच। एंड ये स्केचअप का हमारा थर्ड वीडियो है। आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं किस तरह से स्केचअप में हम लोग मेजर कमांड को यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए, टैप मेजर टूल करके कमांड होता है, जस्ट क्लिक हियर एंड देन जस्ट यहाँ पे आपको क्लिक करना, और ये ट्रेस करता है। लाइक अगर आपने ऑटोकैड चलाया तो आपको ऑटोकैड में कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज होता है, समथिंग लाइक दैट होता है। रेफरेंस प्रोवाइड करता है। सपोज मैंने एक रेफरेंस इधर से यहाँ से ले लिया, और एक रेफरेंस मैंने यहाँ से, मैं इस तरह से रेफरेंस ले लिया, दो रेफरेंस यहाँ पे क्लिक करना और उसके बाद ड्रैग कर देना है। और अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा आगे, मुझे लग रहा थोड़ा और आगे मुझे इसके बीच में रैक बनाना है, तो रैक के लिए मैंने इसे कर दिया इस तरीके से, और इसको रैक को यहाँ समझ में आया। और आप डिस्टेंस डालना चाहते हो डिस्टेंस से पुट कर सकते हैं। ओके, नाउ अगर आपको इधर से भी ट्रेस लाइन चाहिए तो यू कैन जस्ट क्लिक लाइक दैट, नीचे क्लिक करना है और उसके बाद इस तरीके से। अब देखिए, यहाँ से मैंने पहले यहाँ पर क्लिक करिए, फिर उसके बाद जितना डिस्टेंस आपको ऊपर जाना है उतना डिस्टेंस आपको ऊपर चले, फिर आप यहाँ से अगर ऊपर जाना चाहते हैं तो यहाँ से इस तरीके से ऊपर चले जाइए। एंड इसके बाद हम लोग यहाँ से अगर ऊपर जाना चाहें कर दीजिए, ऊपर जाना चाहें तो यहाँ से। और अब ये हमारे पास कुछ बॉक्सेस हो गए। अगर हम मुझे यहाँ पे कुछ रैक जैसा कुछ बनाना है, एक मैं ऊपर ही बना देता हूँ, कंप्लीट रहेगा। अब अगर आप देखें इसको तो ये इस तरीके से डिफरेंस लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, फाइनाइट तक जाने वाली लाइन्स बन जाती है। यहाँ पे हमें रैक बनाना है, तो रैक के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे जाइए, जस्ट गो देयर एंड टेक रेक्टेंगल फ्रॉम हियर एंड जस्ट क्लिक लाइक दैट, एंड देन अगेन इफ यू वांट अगेन यू कैन डू लाइक दैट, जस्ट क्लिक लाइक दैट एंड देन। अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं वीडियोस तो प्लीज नीचे कमेंट भी करिए, जिससे मुझे और भी अच्छा लगेगा, मैं और भी नए नए टॉपिक्स स्केचअप के लिए लेके आऊंगा। इवन सिविल इंजीनियरिंग के हर एक सॉफ्टवेयर के ट्यूटोरियल्स मैं आपको अवेलेबल कराने वाला हूँ, और मैं इन सारे सॉफ्टवेयर्स के ट्यूटोरियल्स कॉर्पोरेट लेवल पर ट्रेंड कर देता हूँ। सो कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करूँ। सो नाउ लाइक अब मुझे इसको एक्सट्रूड करना है, लाइक हमारे जो ऑटोकैड और दूसरे जो सॉफ्टवेयर है उसमें एक्सट्रूड बोलते हैं, जो यहाँ पे एज अ प्रेस पुल हम लोग यूज करते हैं, पुश पुल। तो हम लोग यहाँ से आप जितना इसको करना चाहें उतना आप इसको बाहर की ओर एक्सटेंड कर लीजिए। इस तरीके से हमने बाहर की ओर एक्सटेंड कर लिया, इस तरीके से हमने बाहर एक्सटेंड कर लिया। यहाँ पे मुझे अगर ऐसा चाहिए कि ऐसे हो जाए पूरा का पूरा, थोड़ा सा पीछे रखेंगे तो थोड़ा देखने में भी इसका लुक अच्छा रहेगा। लाइक हमने इसको ऐसा रख दिया और ऐसा रख दिया, ठीक है। अब ये सभी एक लग रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए इनको थोड़ा सा पीछे की ओर। उसके लिए अच्छा होगा कि मैं कल मैंने आपको पढ़ाया था कि किस तरह से ऑफसेट यूज करते हैं, जो सेकंड वीडियो था उसमें डिस्कस किया, अगर आपने नहीं देखा था तो इसको देख लीजिए। एंड इस तरीके से हमने कर दिया। अच्छे से आप समझिए, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप हमें कमेंट करिए, मैं आपको सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल करा दूंगा। मेरे unixsivil.com पे आप जाइए, वहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, अदरवाइज आप कमेंट करिए, मैं आपको लिंक दे दूंगा। और इसका अगर मटेरियल चेंज करना है, सो फॉर दैट जस्ट गो टू मटेरियल्स, कल मैंने डिस्कस किया था मटेरियल, और यहाँ पे जो मटेरियल लगाना चाहते हैं, जैसे कि अगर मैं इस पर बात करूँ तो इस पर हम लोग पैटर्न्स दे सकते हैं अच्छे अच्छे। मैंने यहाँ से पैटर्न लिया, बट पैटर्न अच्छा नहीं लगेगा, सो विल यूज समथिंग लाइक वी कैन यूज लाइक दिस। इसको फिल कर दिया, और मेरे कलर की कॉम्बिनेशन फिटनेस भी अच्छा नहीं है, सो यू कैन मैनेज दैट। अदरवाइज मैं क्या करता हूँ, पिंटरेस्ट नाम की जो साइट्स है, जो जिसमें बहुत से अच्छे अच्छे मॉडल्स होते हैं, उस साइट से मटेरियल्स देखता हूँ कि किस टाइप के मटेरियल उसने यूज़ किया है, तो उसके हिसाब से मैं अपने प्रोजेक्ट्स को रन करता हूँ। क्योंकि हमें इतना ज़्यादा लाइक नहीं होता कि हम कौन सा मटेरियल यूज़ करें तो अच्छा लगेगा, सो बेटर कि हम लोग रेफरेंस ले लेते हैं वहाँ से, और बाय रेफरेंस यू कैन जस्ट इजली लाइक आपको कलर चूज करने में प्रॉब्लम नहीं जाती है। तो हमने इस तरह से ये मटेरियल लगाया और इधर ये मटेरियल लगा दिया। ओके, सो इस तरीके से मैंने आज के वीडियो में क्या डिस्कस किया कि किस तरह से एक रैक बनाते हैं, ठीक है। आगे के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे इस पे स्लैब कैसे लगाएंगे, फिलहाल कल के वीडियो में हम लोग कंपोनेंट लगाएंगे, इसके अंदर कंपोनेंट्स कैसे लगाते हैं वो देखेंगे। होप आपको ये अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर ये अच्छा लगा तो आप लाइक करिए चैनल को, यार सब्सक्राइब करो, और
थोड़ा सा मुझे कमेंट करके मोटिवेट करो जिससे मैं और भी अच्छे से टॉपिक्स बना के लेके आऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस।